भाई लोग फाइनली रिलीज हो गया रावण का टीजर। आप जाके यूट्यूब पे अनुभव महंती का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ जाके देख सकते हैं। तो भाई रिव्यू करेंगे, रिएक्शन भी देंगे। क्या ही बताओ यार, मतलब मैंने जितना एक्साइटेड था इस टीजर के लिए, मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि इसमें शायद कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन बट फिर भी कुछ तो दिखाया नहीं गया इतना। बस एक जेल के अंदर या फिर एक मतलब एक रूम है, जेल है, उसके अंदर निशा नाम की लड़की है। ऐसा लग रहा है कि जिस लड़की के लिए पागल है और शायद उससे इसे छीन लिया गया है, वैसा ही लग रहा है मूवी में। कुछ टीजर में कुछ ऐसा दिख रहा है। और भाई जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके साथ, लास्ट तक बैकग्राउंड म्यूजिक एक बॉन्डिंग बना के रखता है, एकदम स्ट्रॉन्ग जैसा बॉन्डिंग लगता है। और ऊपर से जो डायलॉग है बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन लास्ट में जैसे इको जैसा रख दिया गया ना, वो मुझे बिल्कुल जो है डिसअपॉइंटमेंट किया। इको जैसा रखना नहीं चाहिए था, थोड़ा वैसा ही करके कट कर देना चाहिए था। और आवाज़ में भारीपन बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। आप लोग सभी को पता है अनुभव महंती का आवाज़ कितना भारी है, और उनका आवाज़ भी, डायलॉग्स भी बहुत अच्छा है। मैंने हिंदी का नहीं देखा, ओडिया का देखा है, और हिंदी का पता नहीं आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेकर्स ने तो अनाउंसमेंट कर दिया हिंदी और ओडिया दोनों में आएगा। लेकिन इसका ओडिया जो टीजर है भाई वाह, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक शब्द में बताऊँ भाई, भाई जान है भाई। आज ना सलमान खान का भी आया था किसी के भाई किसी का जान, बट फिर भी मैं सच बता रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जिनके ना, मुझे थोड़ा डार्क पसंद है, मुझे एक्शन पसंद है। तो कहीं ना कहीं मुझे सलमान खान, हाँ उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर थे, बट फिर भी मुझे ये रावण का टीजर बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे भी दोनों भाई जान हैं, और दोनों का सपोर्ट करो, और भाई लोग जल्दी से